सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसा आपके कमेंट आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो सेकंड पार्ट है उसको कब लेकर आएंगे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेकंड पार्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे भी और कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी मिल रही थी कि सर उसका जो पैटर्न है वो हमें बता दीजिए, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो बता दीजिए और कितने मार्क्स के आते हैं वो हमें बता दीजिए। और कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी थी कि सर उसमें छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, ये भी आप हमें बता दीजिए। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे ये होगा जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी एंट्रेंस पेपर से रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूरे इंक्वायरी जो है पूरे पैटर्न जो है एग्ज़ाम की ओपन पूरी पहले ही बता चुका हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा भी रहा होगा और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू वाले के पेपर में कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का होता है, और इसी तरह से 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होती है। तो अब बात करते हैं पार्ट टू की। हालांकि उसी वीडियो में मैंने आपको 2017 2018 के जो पेपर है उसका पैटर्न दिखा दिया था, लेकिन आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्ट बी वो 2019 का है। जब उस वक्त वो मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये वाला पेपर हमें दस्तयाब नहीं हुआ था, लेकिन एक हमारे दोस्त हैं उनसे हमें ये पेपर मिला और ये पेपर बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमारे चैनल पर से पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं चलाते हैं या कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन हम किसी को नहीं देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका जो आज का हम बी पार्ट करेंगे उसको देखेंगे। तो मैं बता दूं कि इससे पहले 2019 से पहले यूनिट में क्वेश्चन आते थे, यानी कि एक यूनिट में 3 क्वेश्चन होते थे और उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता था। तो इस तरह से 3 यूनिट आती थी पेपर में और उन यूनिट में से 3 यूनिट में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन 2019 के पैटर्न चेंज हो गया, उसमें आपको 6 सवाल मिले और 6 के 6 करने आपको लाजमी थे और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 थे, यानी कि इस हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हुआ वो हुआ 40 मार्क्स का, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट हुआ यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हुआ वो हुआ 60 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल हुआ 100 नंबर, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एमए उर्दू का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है विद नेगेटिव मार्किंग, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो पेपर है वो किस तरीके से आता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसकी। तो जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये इसका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पार्ट बी है। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो पहला सवाल है, उर्दू का आगाज मसूद हुसैन खां के मुताबिक कहाँ से हुआ, इनका नज़रिया पेश करें। ठीक है, यानी कि उर्दू के बारे में मसूद हुसैन खां का क्या नज़रिया है उसके बारे में एक तफसील से नोट निकला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही की तनकीद निगारी पर रोशनी डालिए। इसमें भी तनकीद निगारी पर डालनी है हाल ही की, तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3, गालिब की गज़ल की खसूसियात लिखें, यानी कि गालिब की जितनी भी गज़ल के एतबार से जितनी भी खसूसियात हैं वो आपको क्वेश्चन में लिखनी है। इस बार के पेपर में ये एक छोटा सा चेंज हुआ है, हालांकि पिछले साल का जो पैटर्न था वो चेंज हुआ है इस साल के मुताबिक। तो पहले जो होता था उसमें चॉइस मिलती थी, लेकिन 2019 में चॉइस नहीं मिली। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करने क्या थे, लाजमी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, किसी खाके निगार के खाके के बारे में मजमून लिखे, यानी कि कोई भी एक खाके निगार ले लीजिए जिसने किसी की खाके निगार लिखी हो, वो आप उसके बारे में
और उसके खाकी निगारे के बारे में आपको तफसील से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी प्रेमचंद की अफसाने निगारी के मुतालिक एक नोट लिखें, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की बारे में आपको नोट से लिखना है कि मुंशी प्रेमचंद की जो अफसाने निगारी है वो किस तरह से है, यानी कि उसमें क्या क्या खसूसियात है, उस पर आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौदा के कसीदा निगारी और शुमाली हिंद में कसीदे के आगाज के बारे में तफसील से बताइए। तो आपको सौदा की कसीदा निगारी और शुमाली हिंद में कसीदा के आगाज के बारे में एक तफसील से आपको बताना है। और ये जो सारे सवाल हैं आपके, वो आपको करना क्या है, एकदम बिल्कुल लाजमी है, कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसी तरह से ये हुआ सेकंड पेपर का एनालाइज। ठीक है, तो जैसा आपको नोट दिख रहा होगा लिखा हुआ नीचे, नोट सभी सवालों के जवाब देना लाजमी है, यानी कि इस बार के पेपर में कोई भी किसी भी तरह की चॉइस नहीं दी गई थी 2019 के एंट्रेंस। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके मन में जो क्वेरी होगी या कोई डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई डाउट रह गया है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप इस तरह से व्हाट्सअप में भी हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड। ये दोनों ही चीज़ें हमारे आपके लिए 24/7 ओपन है, कभी भी आप अपना जो क्वेरी या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।